आलू के पराठे का आटा सानने जा रही थी, तो मैंने थोड़ा इसमें नमक डाला है, कसूरी मेथी, और अब मैं इसको दूध से सानूंगी, तो जिससे हमारे पराठे एकदम सॉफ्ट और अच्छे बनेंगे। तो अब मैं आटे को तैयार कर लेती हूँ। अभी मैंने आटा को तैयार करके रख दिया है, अब 10 मिनट बाद इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। पराठे में डालने के लिए लिया है अदरक, थोड़ा सा हरा धनिया, अदरक, प्याज, हरी मिर्ची, थोड़ा लहसुन, ये हरा धनिया और पुदीना, थोड़ा सा मसाला लिया है, नमक, ये है अमचूर पाउडर, एक चुटकी हींग, सारे मसाले को आलू के साथ मिक्स कर दिया है। अब इसको आलू को पराठे के अंदर भरेंगे और बनाते हैं आलू का पराठा। अब लोहे को पराठे के अंदर, इस आटे के अंदर इसको भर देते हैं ऐसे करके अच्छे से। अब इस तरीके से अच्छे से फटे ना तो ऐसे बेल लेंगे। हल्के से पराठे को बेल लेंगे जिससे फटे ना। अब पराठे में तेल लगा देते हैं। ये मेरा आलू का पराठा तैयार है, तो मैं इसको सेक ले। ये देखिए कितना अच्छा आलू का पराठा बना है। जब मैंने आलू का पराठा बनाया था तो उसके आटे में मैंने एक आलू ही डाला था, तो मैं वो बताना भूल गई थी। आटे के साथ अगर उबला आलू सानेंगे तो आलू का पराठा और भी अच्छा और टेस्टी बनता है। ये देखिए कैसे फूल गया है पराठा, अब इसको पलट दे। ये देखिए आलू का पराठा एकदम कुरकुरा और कितना अच्छा बना है। मैं इसको अभी तोड़ के देख